आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In the equation of traveling wave is given as y equals to 40 cos 1600 t plus 6 where y is in the millimeter, t is in the second, and x is in the meter. Then the ratio of wave speed to the maximum particle speed will be. इस इक्वेशन में हमारे पास में हमें एम्पलीट्यूड ए दिया है कितना फोर्टी अब ये हमारे पास क्या है वाई एम एम में है तो ये भी एम mm एम में होगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो मीटर ये हमारे पास ओमेगा है ओमेगा कितना है हमारे पास सिक्सटीन हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड और ये क्या है हमारे पास में के तो के कितना है हमारे पास में सिक्स मीटर इनवर्स ठीक है अब रेशियो हमें चाहिए पार्ट वेव स्पीड का तो वेव स्पीड हमारे पास क्या होती है ओमेगा और ये सॉरी वेव स्पीड हमारे पास होती है ठीक है और ये कितनी होगी हमारी ओमेगा तो कितनी पर सेकेंड ठीक है 6, तो second, अब हम मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड निकालें तो वी मैक्सिमम तो ये हमें कितना मिलता है ओमेगा मल्टीप्लाइड ए तो ओमेगा कितना है हमारे पास यहां पे सोलह सो और एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास में ये 0.04 ठीक है तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा ये 64 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा ठीक है तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे रेशो लिखेंगे तो रेशो हमें क्या चाहिए v डिवाइड बाई vp मैक्सिमम चाहिए तो v का वैल्यू कितना है हमारे पास में 800/3 और ये डिवाइड बाय कितना हो गया 64 तो कितना मिलेगा हमारे पास 800/3 मल्टीप्लाईड बाय चौसठ तो ये आठ से कैंसिल आउट होगा पे आठ बार ठीक है तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख पाएंगे इसको हम लिख पाएंगे कितना इसको हम लिख पाएंगे कितना सॉल्व करने के बाद में ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सिक्स तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्लास सिक्स से लेके नीट आईआईटी आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर